देश भर में लॉकडाउन के बाद गरीब मजदूरों के सामने जो स्थिति बनी है वो वाकई में गंभीर है। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के नाम पर खूब वाहवाही लूटने की कोशिश भी खूब की जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर प्रशासनिक अधिकारी गरीब मजदूरों के नाम पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद के मेयर भी इसमें वाहवाही लूटने के लिए वहां पहुंच गए और करने लगे नौसिखिए सी बात। तो वही अधिकारी भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बस सेवा शुरू की है, लेकिन रूट पर बसों में उन यात्रियों से वसूली भी खूब की जा रही है। मुरादाबाद से रोडवेज बस स्टैंड पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर यात्रियों के टिकट के नाम पर पैसा वसूला। तो वही समाज सेवा करने पहुंचे मेयर मुरादाबाद का कहना है कि सरकार ने बस सेवा फ्री की है और सभी को फ्री भेजा जा रहा है। साथ ही अब तक 50 बसें मुरादाबाद डिपो से भेजी जा चुकी है। तो वही वहां मौजूद अधिकारी भी कुछ यही बयां कर रहे हैं। कितनी लगभग सुबह से कितनी बसें निकल चुकी हैं? लगभग यहाँ से 50 बसें जा चुकी हैं। आगरा, अलीगढ़, बदायूं, संभल, इधर लखनऊ, शाहजहानपुर, बरेली और ये हल्द्वानी नहीं गई है। हल्द्वानी वाले लोगों को हमने ठाकुरद्वारा तक छोड़ा है उत्तर प्रदेश की सीमा में। क्या उनसे किराया वसूल करें? गलत, कोई किराया नहीं, सब फ्री गए हैं सुबह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेना चाहते हैं, यात्री पैसे मांग रहे हैं यात्री इस नाम पे, जबकि टोटल मुफ्त किराया योगी जी के माध्यम से आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पर बातचीत की मैंने और वहाँ से बताई यहाँ की स्थिति। सवेरे 7 बजे से लगभग 50 बसें रवाना हो चुकी हैं और अब आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह रोडवेज का भीड़ ख़त्म हो चुकी है और इनको चाय, पानी, बिस्किट और टायरी वगैरह इनको खिला दी गई है। और तमाम महिलाएं हैं बेचारी, क्यों भाई तुम्हें क्या क्या मिला? तो क्या मानते हैं कि कहाँ कहाँ से यात्री आ रहा है? ये यात्री एक्चुअल में कुछ लोग तो आए नहीं उत्तराखंड से, वाया शाहजहाँपुर सहारनपुर की तरफ से आए हैं, दिल्ली की तरफ से आए हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं बरेली की तरफ से जो सहारनपुर की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें जो इधर की तरफ जाने वाले लोग हैं उनको अगले बस अड्डे पे भेज दिया। किस हिसाब से यहाँ पे संख्या है बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, उस हिसाब से कोरोना किस हिसाब से वायरस चल गया, उस हिसाब से क्या मानते हैं इसके अंदर कोई ना कोई कोरोना का ही मरीज हो सकता है? कोई अभी तक तो ऐसा सामने नहीं है, सभी लोगों पे मास्क लगे हुए देखिए आप। नहीं, मास्क अपनी जगह पर, किसी के चेकिंग वेकिंग नहीं हुई? चेकिंग कैसे होगी अभी? अभी इस समय तो ये अपने जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे तब वहाँ पर जो स्थानीय वो हैं वो वहाँ पर इनका वो होगा। जैसे बिहार जा रहे हैं तो बिहार के अंदर नीतीश जी ने अपना वो करा हुआ, लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ वाले वो अपना करेंगे। यहाँ से तो ये इन ट्रांजिट है, अगर ये अपना फाइनली इनका घर होता तो यहाँ पर जाएगा। जो यहाँ पर हमने शेल्टर होम बनाए हैं, PLJ स्कूल है, हिंदू मॉडल स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, सारे जो हमने 20 शेल्टर होम बनाए जो बाहर से लोग आने वाले हैं। किस हिसाब से यात्री यहाँ से दिल्ली से मुरादाबाद आ रहा है, मुरादाबाद से कहीं और भी जा रहा है, तो क्या मानते हैं किस हिसाब से वायरस फैल गया उस हिसाब से मानते हैं दिल्ली के अंदर? अभी तो ये जितने इकट्ठे हैं ये अगर आगे गंतव्य तक जाएंगे तभी तो वो रुकेगा। दिल्ली की हालत आपने देखी थी वहाँ आनंद विहार की, यहाँ तो बहुत बेहतर कर दी। आज इसीलिए मुझे आज सवेरे घर से निकलना पड़ा बाहर, 5 दिन से हम भी घर में ही थे। आज जब ये स्थिति देखी तब आके हमने RM रोडवेज को कह के अतुल जैन उनके माध्यम से आज ये 50 बसें निकलवाई हैं, उनको परमिट उनको जारी किया, उनका तेल भरवाया और स्पेशल तरीके से लखनऊ फोन किया, लखनऊ से यहाँ पे निर्देशन प्राप्त हुए। सर्विस कब तक के तक रही? जब तक यहाँ कोई भी यात्री है उसको योगी सरकार उसको गंतव्य तक पहुँचाएगी। इस दौरान जब रोडवेज बस के क्षेत्रीय प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना है कि फ्री में लोगों को उनके भेजने का कोई आदेश नहीं है। सर, जो यात्री आए हुए कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और उनका क्या इंतजाम करेगा आपके तरफ? देखिए, जो हमारे बस स्टेशन पर भीड़ है यहाँ ज़्यादातर पूर्वांचल की, जैसे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर की ज़्यादा भीड़ है, वहाँ के लिए हम बसें बराबर लगा रहे हैं और उन यात्रियों को
उनके घर तक पहुँचाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या क्या मतलब क्या सुबह से अभी तक हमने लगभग 12 गाड़ियाँ भेज दी हैं और भी आगे जो है भेजते रहेंगे। तो कैसे मेयर साहब बता रहा, कोई फ्री का हिसाब ऐसा है ऐसा हमारे विभाग में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डीआरएम साहब मतलब आपका अधिकारी ने क्या जवाब दिया आपको? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है ऐसा कुछ। तो वहीं रोडवेज बस पर स्टैंड पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को गुस्सा भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन हमें किसी ने भी एक बार खाने के लिए नहीं पूछा और सब बस बहावाई लूटने का काम कर रहे हैं। दरअसल में चालक व परिचालक का कहना है कि कल हम मुरादाबाद से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से लखनऊ गए, लेकिन हमारे लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं, ना ही पानी की कोई व्यवस्था, और हमें भूखे पेट रहना पड़ा। कोई भी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। जब हम लखनऊ में एंट्री कर रहे थे तो वहाँ के प्रशासन ने हमें लखनऊ में एंट्री करने नहीं दिया और कहा कि आप भी जाओ लेकिन लखनऊ के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में चालक व परिचालक सवारी को छोड़कर कहाँ जाते? मेरा नाम सुनील कुमार है, पीतल नगरी से हूँ, परिचालक हूँ। लखनऊ में अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। सीओ सिटी जो वहाँ के हैं वो ये कह रहे हैं गाड़ी लखनऊ के अंदर नहीं जाएगी, आप कहीं भी ले जाए गाड़ी। अब बताइए कहाँ को ले जाएं हम गाड़ी? तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? परेशानी का पहली चीज तो ये खाने की समस्या सबसे बड़ी। कल मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ और दिल्ली से लखनऊ गया हूँ भूखे पेट, अब यहाँ आया हूँ, यहाँ पे भी कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी में ना डीजल की व्यवस्था है, जो आप लोग ये कह रहे हैं फ्री सेवा। एक आध पैसेंजर के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो हम पहुँचा सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने रिक्स पे, वो भी अधिकारी को भी जो हमें देना पड़ेगा। यहाँ के जो मेयर साहब हैं और भी अधिकारी लोग हैं वगैरह, भाई हमारे पास इस प्रकार का किसी भी मतलब आदेश नहीं आया है। हमारे पास किसी भी अधिकारी का आदेश नहीं है हमारे पास। सर कितनी बसें इशू हो चुकी हैं? करीब एक दर्जन बस सुबह से जा चुकी है। सुबह से लगभग एक दर्जन बसें यहाँ से रवाना हो गई हैं जो लखनऊ बरेली आदि जनपदों को भेजी गई हैं। अभी भी व्यवस्था लगातार की जा रही है और बसें रवाना हो रही हैं। एक बस देख रहे हैं आप, ये भी अभी तैयार खड़ी है जाने को, और लोगों को इस बात के लिए संदेश दिया जा रहा है कि एक मीटर की डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यहाँ पर खाने पाने की भी व्यवस्था है, लोगों को जिनको खाना नहीं मिलेगा उनकी भी व्यवस्था है। इस प्रकार प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था है, जो लोग जाना चाहते हैं उनकी मदद की जाएगी। यथासंभव हम लोग का प्रयास यही है कि लोग यहाँ रुकें और परेशान ना हों। अगर जो कोई यहाँ रुकना चाहता है उसके लिए भी हमारे पास स्थान है, खाने का सामान है, उनको पैकेट्स मिलेंगे, लंच मिलेंगे, पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से है। ये जो मुसाफिर आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है? ये मुसाफिर बाहर से जैसे हरिद्वार से दिल्ली से उस तरफ से आ रहे हैं और उनको ये रेलवे बस स्टेशन पे इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगेगा लग रहा है कि यहाँ से बस हमको मिल जाएगी। किस हिसाब से संख्या बढ़ी यहाँ पर? बहुत सुबह से अब तक बहुत ज़्यादा थी, अब बस का इंतजाम करेंगे। अब चूँकि ये इस ज़िले से इसका कोई अनुमान नहीं है, जो जितने लोग बाहर से भीड़ आ रही उसी हिसाब से भीड़ देख के बसों का व्यवस्था कराई जा रही है। बट हमारे पास बसें पर्याप्त हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग प्राइवेट बसों का भी यूज़ करेंगे। किस हिसाब से कोरोना वायरस चल रहा है उसी हिसाब से दिल्ली का कोरोना वायरस के दृष्टिगत ये मूवमेंट उचित नहीं है, लेकिन जैसे पब्लिक की भीड़ है इनके गंतव्य में पहुंचाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन ये कोरोना के दृष्टिगत ठीक नहीं है क्योंकि एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बसों में घुस रहे हैं, लेकिन तब भी हम लोग उनको दूरी बना के किसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि उनको गंतव्य स्थान पर भेजा जाए। किस हिसाब से यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है बसों के अंदर? भीड़ नज़र आ रही है काफ़ी, एक दूसरे से टच हो रहा है, वायरस भी चल रहा, वो उनके लिए बार बार उनको रोका जा रहा है। अब इसके बाद भी जो लोग किसी किसी में चढ़ जा रहे हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग का माइक से भी अनाउंस किया जा रहा है, बताया भी जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहे हैं, उनको सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। अभी CMO को भी बुलाया गया है कि वो अपना लोगों को, टीम जो रात को चली गई है अब वो सुबह फिर आ रही है। क्या सब नाम सर जी? क्या सब नाम है मेरा? जी राजेंद्र सिंह सेंगर, मैं ADM सिटी मुरादाबाद हूँ।